हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक बड़ा मायावी, सब मिलकर उस नंदे से बालक का बाल भी भौंका नहीं कर सके। और उसने एक एक का घमंड तोड़कर किसी को प्राणहीन कर दिया तो किसी को शक्तिहीन कर दिया। और आज इस कागासुर की विशाल देह को हमारे ही दरबार में फेंक कर जैसे हमें चुनौती दी कि इससे बड़ा कोई वीर हो तो अब उसे भेजो। हम जानना चाहते हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कौन है हमारे साथियों में, कौन है? उत्कच, मेरे मित्र, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं सचमुच निराश होने लगा था। मुझे तो यही खेद है मित्र कि इससे पहले आपने मुझे क्यों ना बुला लिया। आपको आंखों से मेरा शरीर दिखाई नहीं देता, इसका ये अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आपका मन भी मुझे भुला दे। क्षमा करना मित्र, मैं अपनी चिंता में सचमुच ही तुम्हें भूल गया था। परंतु मैं नहीं भूला कि कंस जैसे परम प्रतापी योद्धा ने कभी मुझे मित्र की पदवी प्रदान की थी। उतना गई लौट कर नहीं आई। श्रीधर ब्राह्मण गया, वापस नहीं आया। एक तो मर गई और एक बावला होकर आ करने लगा। हा? कागासुर, आज्ञा महाराज। अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, अपनी तीखी चोंच से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर डालो। जाओ। जो आज्ञा महाराज।
चाणूर, इसके श्वासों की गिनती भी पूरी हो गई। एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक बड़ा मायावी, सब मिलकर उस नन्हे से बालक का बाल भी भौंका नहीं कर सके। और उसने एक एक का घमंड तोड़कर किसी को प्राणहीन कर दिया तो किसी को शक्तिहीन कर दिया। और आज इस कागासुर की विशाल देह को हमारे ही दरबार में फेंक कर जैसे हमें चुनौती दी कि इससे बड़ा कोई वीर हो तो अब उसे भेजो। हाँ, हम जानना चाहते हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कौन है हमारे साथियों में, कौन है? महाराज, महाराज, मेरे होते आप ऐसी निराशाजनक बात करें तो धिक्कार है मेरी और आपकी मित्रता पर। उत्कच? हाँ महाराज, उत्कच आपका मित्र। उत्कच, मेरे मित्र, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं सचमुच निराश होने लगा था। मुझे तो यही खेद है मित्र कि इससे पहले आपने मुझे क्यों ना बुला लिया। आपको आंखों से मेरा शरीर दिखाई नहीं देता, इसका ये अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आपका मन भी मुझे भुला दे। क्षमा करना मित्र, मैं अपनी चिंता में सचमुच ही तुम्हें भूल गया था। परंतु मैं नहीं भूला कि कंस जैसे परम प्रतापी योद्धा ने कभी मुझे मित्र की पदवी प्रदान की थी, सो आज उसी मित्रता को निभाने आया। मैं आपकी समस्या जानता और वचन देता कि आपका शत्रु कल प्रातः सूर्य नहीं देखेगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो उसे जीवित ही लाकर आपके चरणों में डाल। नहीं, उसे यहां लाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे वही मिट्टी में मिला दो बस। तो समझ लो कि आपका ये कार्य सिद्ध हो गया। हाँ, यदि ये कार्य सफल हो गया आज रात को कंस के राजमहल में बड़ी धूमधाम से तुम्हारी विजय का उत्सव मनाया जाएगा। ये यदि का शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है। मैं दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज ही सूर्यास्त से पहले आपके शत्रु का अंत कर दूंगा। आप उत्सव की तैयारी करें। हाँ, अवश्य। यशोदा जी, भीतर आओ। आई दीदी। निर्मला, मीना, क्या है दीदी? देखो, इसका ध्यान रखना, डोरी को धीरे धीरे हिलाना। मैं अंदर जाती हूँ, घर में बहुत काम है। अच्छा जी। मिर्ची को अच्छी तरह फैलाना चाहिए, धूप लगनी चाहिए ना, ऐसे। Thank you.
यशोदा, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ, क्या हुआ यशोदा? ये छकड़ा कैसे उल्टा हुआ? पता नहीं, हम तो लल्ला को झुला रहे थे, सहसा ही एक चर्र की भयानक ध्वनि हुई और ये शकट आकाश की ओर उछला, फिर गिरकर टूट गया। परंतु इसे ऊपर उछाला किसने? लल्ला ने। हाँ? लल्ला ने? तेरी बुद्धि तो ठिकाने है। मैं सत्य कहती हूँ, मैंने यही देखा कि लल्ला ने पैर का अंगूठा लगाया और ये शकट ऊपर उछल गया। परंतु बालक, अपने अंगूठे से इतना बड़ा शकट कैसे उलट सकता है? तेरी मति तो नहीं मारी गई है? नंद बाबा, पुत्र के हाथों से दान दक्षिणा दीजिए। एक बड़ा ग्रह आने वाला था, वो प्रभु की कृपा से टल गया। बस इसे किसी की कुदृष्टि लग गई है। तुम ठीक कहते हो, इन 2 महीनों में कितनी बार इसके प्राण बचे। हम कल ही गुरुदेव शांडिल्य के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इसके जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण बार बार इसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। ये तो स्वयं संकटहारी है, इनके प्राणों को संकट में डालने की शक्ति किसी ग्रह में नहीं है। फिर क्यों बार बार ऐसी बाधाएं आती हैं मेरे लाल पर? गुरुदेव, मैं बहुत डर गई हूं। माता, तू इनकी विशालता को, इनकी शक्ति को नहीं पहचानती। ये वो है जो हम सबकी आत्मा में प्रकाशमान है, जो धरती के कण कण में प्रतिबिंबित है। गुरुदेव, ऐसी बातें मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूं कि स्वयं भगवान जी हम सबकी आत्मा में विराजमान है। मुझे विश्वास है कि किसी भूत प्रेत की छाया हमारे घर पर पड़ी है जिससे ये सब उत्पात हो रहे हैं। एक दुखियारी माता की प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे लाल की सुरक्षा के लिए इसकी पूजा करा दीजिए। अच्छी बात है, जैसा तुम कहती हो इनकी पूजा ही कर लेते हैं। हमारे अहोभाग्य। लीला है आपकी। शांडिल्य मुनि से पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अपनी ही स्तुति करा रहे हो। राधे, ये सूक्त हमें अति प्रिय है, इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था। विराजो अधिपुरुषः। नाथ, कहते हैं जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी को आपके द्वारा मृत्यु की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके हाथों मरने वाले को तो परम गति प्राप्त होती ही है। उस क्रूर दैत्य उत्कच ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण उसने आपके श्री चरणों में मृत्यु पाई? उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। तो फिर हमने तो अपने परम भक्त महर्षि लोमश की वाणी को सत्य करने के लिए ही उसका उद्धार किया था। वो कैसे? चाक्षुष मनवंतर में जिन दैत्यराज हिरण्याक्ष का उद्धार करने और पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए हमने वारा रूप धारण किया था, ये उत्कच उसी हिरण्याक्ष का बड़ा लाडला पुत्र था। उसे अपनी विशाल देह पर बड़ा अभिमान था,
और ऋषियों के आश्रमों में बड़ा उत्पात मचाया करता था। एक दिन महर्षि लोमश के आश्रम में उसने अपने शरीर की रगड़ से सारे वृक्ष गिरा दिए। ऋषि को उन निर्दोष वृक्षों के नाश पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसे श्राप दिया। हे दुर्मति, तुझे अपनी देह पर बहुत गर्व हो गया है, जा देह रहित हो जा। विदेह भव दुर्मति। ये क्या हो गया? नहीं, क्षमा क्षमा महर्षि, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मेरा अपराध क्षमा करें। दैत्य स्वभाव के कारण मुझसे भूल हो गई महर्षि, परंतु ऋषियों का स्वभाव तो क्षमाशील होता है, मेरा उद्धार कीजिए, क्षमा क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, क्षमा कीजिए महाराज। मूर्ख बालक, मेरा श्राप तो अमोद है, टल नहीं सकता, परंतु तूने उद्धार की प्रार्थना की है, सो उद्धार तेरा अवश्य होगा। अब तू इस वायु शरीर के साथ ही विवस्त मनो अंतर के 28वें द्वापर युग तक भटकता रहेगा, उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरा पूर्ण उद्धार हो जाएगा। राधे, हमारी अपनी आन रहे न रहे, परंतु एक भक्त का वचन हम कभी झूठा नहीं कर सकते, सो एक भक्त का दिया हुआ वचन तो हमें पूरा करना ही था। प्रभु, आपकी लीला आप ही जानें।